हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने का लक्ष्य, सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रयासरत है सरकार। चारण आज जिले के सिरोही ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जावाल में मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू हुए। नर्सेज व एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष जीवदान चारण ने कहा कि आज चावल सामुदायिक स्वास्थ्य पर सभी कर्मचारियों से रूबरू हुआ, वो उनकी पीड़ा को समझा और जल्द उन समस्याओं से अति शीघ्र निराकरण का उच्च अधिकारियों से मिलकर भरोसा दिलाया। चाहे संविदा हो या नियमित समस्या सबके हैं। गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना का बड़ा तोहफा दिया है, जिससे सभी कर्मचारी बहुत खुश हैं। साथ ही नर्सेज के सम्मान की बात आती है तो सरकार ने पदरूपी मान सम्मान दिया है, जो गर्व की बात है। अब नर्सेज को भी अधिकारी पद नाम से जाना जाएगा, लेकिन जो सोचे थे संविदा पर कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको नियमित किया जावे, वो जो कोविड स्वास्थ्य सहायक पूरे राजस्थान में लगे हैं उनको अल्प मानदेय दिया जा रहा है। जो काम तो करते हैं चिकित्सा विभाग में, वो मानदेय मिलता है पंचायत से, वो भी समय पर नहीं मिलता है। उस पीड़ा को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समझा और कोविड स्वास्थ्य सहायक के मानदेय में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने बजट में मेडिकल वॉलंटरी फोर्स गठन करने का निर्णय लिया गया है। वो कोविड स्वास्थ्य सहायक का मानदेय भी चिकित्सा विभाग देगा, साथ ही आने वाले चिकित्सा विभाग में भी भर्तियों में बोनस अंक लागू होगा। 1 वर्ष के 10, 2 वर्ष के 20 व 3 साल के 30 अंक दिए जाएंगे, जिससे संविदा पर लगे हुए सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसकी मांग हमने कई बार उठाई थी, जिसको सरकार ने मानकर हजारों कर्मचारियों को संबल मिलेगा। वो कई नर्सेज के कई पद खाली पड़े हैं, उन पदों को भरकर बेरोजगार नर्सेज को मौका मिलना चाहिए। वो सरकार से कर्मचारी हित पहले ही तर्ज पर हमेशा मांग करते रहेंगे। साथ ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य मार्गदर्शिका हो, सभी की समस्याओं को उच्च स्तर के समाधान करवाया जाएगा। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह महोदय ने सभी कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने का कहा। साथ ही ओल्ड पेंशन योजना को जो सरकार लागू की है वो मिलकर पत्थर साबित होगा। सीएचए की सेवाएं संतोषजनक है, कोरोना में भी सराहनीय कार्य किया है। ब्लॉक अध्यक्ष महिपाल व रुस्तम खान ने भी सभी कर्मचारियों को संगठित होने का आह्वान किया। नर्सिंग अधिकारी जगदीश कुमार बिश्रोही ने कहा कि अभी नर्सिंग अध्यक्ष जीवदान चारण को एकीकृत महासंघ सिरोही का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया है। कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे और पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जावाल पर आने पर जावाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह महोदय ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर विक्रम सिंह प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार पटेल, शैतान सिंह चारण, सीनियर नर्सिंग अधिकारी जगदीश कुमार बिश्रोही, प्रीति नायर, सपना थॉमस नर्सिंग अधिकारी, दिनेश कुमार फार्मासिस्ट, चिलम्मा डीएल एलएचबी, प्रतिमा ओमी बाई, पुष्पा किरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कंचन, हेमंत, रुपेश, चिराग, महेंद्र कुमार परमार, विजय पाल, सीएचए कर्मचारी उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जावाल से छगनलाल मेघवाल की रिपोर्ट।